बॉलीवुड में ब्रेकअप्स और पैचअप्स होते रहते हैं, लेकिन जब ब्रेकअप के बाद कोई एक अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर के लिए कुछ बुरा कह जाता है तब मामला और भी बिगड़ जाता है। और बी टाउन में हमने अक्सर रिश्तों को एक कड़वा मोड़ लेते हुए देखा है, जहां ब्रेकअप के बाद स्टार्स एक दूसरे के लिए बहुत बुरा भला कह जाते हैं। तो आज यू वोंट बिलीव के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे उन एक्सेस के बारे में जिन्होंने ब्रेकअप के बाद अपने एक्सेस को किया पब्लिकली इंसल्ट। ऐश्वर्या राय बच्चन एंड सलमान खान। ऐश्वर्या राय और सलमान खान के ब्रेकअप के किस्से तो सब जानते हैं। आफ्टर ऑल वन ऑफ द अगलीएस्ट ब्रेकअप था ऐश्वर्या और सलमान का। ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने सलमान के बारे में पब्लिकली बात करते हुए कहा, आफ्टर वी ब्रोक अप ही वुड कॉल मी एंड टॉक रबिश। ही ऑल्सो सस्पेक्टेड मी ऑफ हैविंग अफेयर्स विद माई को स्टार्स। आई वॉज लिंक्ड अप विद एवरीवन फ्रॉम अभिषेक बच्चन टू शाहरुख खान। देयर वर टाइम्स व्हेन सलमान गॉट फिजिकल विद मी, लकीली विदाउट लीविंग एनी मार्क्स, एंड आई वुड गो टू वर्क एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। आई स्टूड बाय हिम एंड्यूरिंग हिज अल्कोहलिक मिसबिहेवियर इन इट्स वर्स्ट फेसेस, एंड इन टर्न आई वॉज एट द रिसीविंग एंड ऑफ हिज अब्यूज, वर्बल, फिजिकल एंड इमोशनल infidelity and indignity. That is why, like any other self-respecting woman, I ended my relationship with him. His bayan ne sab ko chauka diya tha. Shahid Kapoor and Kareena Kapoor. In dono lovebirds ko sab pasand karte the, aur isiliye jab inka breakup hua, tab sabko bahut bada jhatka laga. In dono ki chemistry ko log bade parde par dekhne ke liye taras rahe the, aur tab Shahid se reaction manga gaya tha ki kya wo kabhi Kareena ke saath kaam karenge ya nahi. तब शाहिद ने दिया एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट, कहा, इफ माय डायरेक्टर वांट्स मी टू वर्क विद अ काउ और अ बफेलो एज एन एक्टर, आई एम रेडी टू डू इट। उन्होंने आगे ये भी कहा था, आई ब्लेम इट ऑन माय बीइंग अ गुड बॉयफ्रेंड, आई वाज इन अ 4.5-year-old रिलेशनशिप एंड वाज वेरी कमिटेड, नाउ आई हैव लर्न बेटर एंड आई शैल नॉट बी द मोस्ट वंडरफुल बॉयफ्रेंड। माय मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म जब वी मेट केम व्हेन करीना एंड आई हैड ब्रोकन अप। आई कैन ओनली सी इट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू and I feel that some choices didn't work for me. Akshay Kumar and Shilpa Shetty. एक टाइम पर अक्षय कुमार की थी एक कैसनोवा इमेज और जनाब ने शिल्पा शेट्टी को चीट किया था। इस बात ने काफी हर्ट किया था शिल्पा को और ब्रेकअप के बाद शिल्पा ने कहा था, अक्षय कुमार यूज्ड मी एंड कन्वीनियंटली ड्रॉप्ड मी आफ्टर ही फाउंड समवन एल्स। द ओनली पर्सन आई वाज अपसेट विद वाज हिम, बट आई एम श्योर ही विल गेट इट ऑल बैक। इट्स नॉट इजी टू फॉरगेट द पास्ट सो सून, but I'm glad I have had the strength to move on. Today he is a forgotten chapter as far as I am concerned. I will never work with him again. Professionally, things have never looked better. Kangana Ranaut and Hrithik Roshan. इन दोनों का ब्रेकअप एक नेशनल टॉपिक बन गया था और इनकी पूरी ब्रेकअप की कहानी ही एक दूसरे के लिए मीन कमेंट से भरी थी। और इन्हीं मीन कमेंट्स में से एक फायर कमेंट हम आपको बताते हैं। कंगना ने कहा था, Yes, many lame rumors are doing rounds. Even a dumb ass can tell where these rumors are coming from. I don't know why exes do silly things to get your attention. For me, that chapter is over and I don't dig graves. इसी का रिप्लाई दिया था ऋतिक ने एक ट्वीट के जरिए और कहा, There are more chances of me having had an affair with the Pope than any of the, I'm sure, wonderful women the media has been naming. Thanks but no thanks. इसके बाद आपकी अदालत में कंगना ने ऋतिक के खिलाफ और वही अर्नब के शो में ऋतिक ने कंगना के खिलाफ काफी कुछ कहा। दीपिका पाडुकोण एंड रणबीर कपूर। दीपिका पाडुकोण थी रणबीर कपूर के प्यार में पागल, लेकिन रणबीर ने किया दीपिका को चीट कटरीना के साथ और इस बात ने तोड़ा दीपिका का दिल। इसी दुख में दीपिका ने रणबीर के अगेंस्ट काफी कुछ कहा था। कॉफी विद करण पर जब दीपिका बतौर मेहमान आई थी तब दीपिका ने ये कहा था कि रणबीर कपूर को एक कॉन्डम ब्रांड को एंडोर्स करना चाहिए और इस लाइन से उन्होंने रणबीर के एडल्ट्री पर साधा निशाना। इतना ही नहीं, दीपिका ने ये भी कहा था कि रणबीर शुड वर्क ऑन हिज बॉयफ्रेंड स्किल्स। सैफ अली खान एंड अमृता सिंह। नवाब सैफ और अमृता ने अलग होने का फैसला तो ले लिया, साथ ही साथ इन्होंने पूरी दुनिया को अपने इस रिश्ते की कड़वाहट के बारे में खुलकर बताने का भी फैसला लिया। सैफ ने कहा था, It isn't nice to be constantly reminded of how worthless you are and to have taunts, jeers and abuses thrown at your mother and sister all the time. I have done through all of it. It's also nice to be married to someone who's fun, beautiful and non-judgmental. All three things. It's better to have a hot and sexy wife. Never have room for regret and never say, Oh, I wish I was married to a beautiful girl. Kangana Ranaut and Aditya Pancholi. कंगना ने ब्रेकअप के बाद आदित्य पर कई सारे एलिगेशंस लगाए। कंगना ने कहा था, आई वॉज फिजिकली अब्यूज्ड, दिस मैन हु वॉज माई फादर्स एज,
hit me hard on my head when I was 17. I started bleeding. I took out my sandal and hit his head hard. And he started to bleed too. I lodged an FIR against the man. और इसके रिप्लाई में आदित्य ने कहा, She is a mad girl. What to do? Did you see the interview? Didn't you feel like some mad person was talking? Who talks like that? We have been in the industry for so long. Nobody has ever spoken anything so evil about anyone. What should I say? She's a mad girl. If you throw stones in mud, it will only spoil your clothes. I am going to take a legal action against her. She is lying. That's why I am taking legal action against her. I don't know about other people, but as far as my story goes and what she has spoken about me, she has said all lies. She has to prove that I have done that. My family is very much affected by it. Vivek Oberoi and Aishwarya Rai. Vivek Oberoi थे एक sweetest boyfriend Aishwarya के लिए. उनके 30th birthday पर 30 gifts दिए थे Vivek ने. लेकिन जब उन्होंने Aishwarya की fame का फायदा उठाकर जब एक press conference रखा, तब Aishwarya ने किया back out इस रिश्ते से और सीधा कह दिया कि Vivek ने काफी immaturely किया behave. Kangana Ranaut and Adhyayan Suman. ब्लैक मैजिक वाले किस्से को कैसे भूले. अध्यायन ने कह दिया था कि कंगना उन पर ब्लैक मैजिक करती थी. उन्होंने आगे कहा था, बींग अ मेट्रोपॉलिटन किड स्टडिंग इन लंदन एंड न्यूयॉर्क, आई वॉज ऑलवेज अवे फ्रॉम थिंग्स लाइक एस्ट्रोलॉजी एंड ब्लैक मैजिक. साथ ही कंगना ने भी इन रूमर्स को झूठा बताया था और कह दिया था, ये पागलों वाली बातें कर रही है. वेल, आप हमें कमेंट कर ये जरूर बताएं कि आपको किस स्टार की इंसल्ट लगी सबसे शॉकिंग.